चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था, जो कि शंकु वाला क्वेश्चन था कि इसको हम कैसे रोटेट करेंगे, घुमाएंगे। तो इससे बनने वाला जो ठोस होगा उसका आयतन हमने निकालना था। तो ये एक शंकु बना था, कोण बना था, फिर हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया था। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैंने बेटा आपसे पहले भी बोला है कि अगर आपको एनसीईआरटी की किसी भी क्वेश्चन में, जो मैं चैप्टर करवा रही हूँ, कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट पूछ लिया करो, ठीक है, साथ के साथ सब प्रैक्टिस करते रहो, और साथ के साथ जो भी डाउट है उसको। मैम स्कूल की मैथ की बुक में या जो आप पढ़ा रही उसमें? ठीक हाँ बेटा, स्कूल की मैथ की बुक जो भी आपके पास जो लगी हुई है उसमें भी जो भी डाउट होंगे वो भी आप पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में बोला है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, टोटल लिखा है ना, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात ज्ञात करना है अर्धगोले का, मीन्स हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अगर आपको रेडियस कितनी देर की है, त्रिज्या कितनी गिवन है, 7 सेंटीमीटर। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा इसका, ठीक है, तरीके का डायग्राम होगा, और ये 7 सेंटीमीटर की रेडियस या त्रिज्या हो जाएगी। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको मैंने कल ही बताया था, सॉरी लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था हमने कर लिया था। तो फॉर्मूला पुट करें, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, सभी बच्चे करेंगे और उत्तर पोल सेक्शन में देंगे। फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि पिछली क्लास में भी मैंने बता दिया था क्या होता है फॉर्मूला। अप्लाई कीजिए और आंसर निकालिए। मैम इसमें पाई की वैल्यू पुट करनी है? ठीक यस, पाई की वैल्यू अगर गिवन नहीं है, हमेशा पाई की वैल्यू आपको 22/7। और कैसे पता चलेगा पुट करने, अगर आप चारों ऑप्शन देखोगे कहीं पे भी आपको पाई लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, तो अगर आंसर में ही पाई नहीं है दैट मीन्स वैल्यू पुट करनी है। वेरी गुड, 3 बच्चों के आंसर एकदम करेक्ट हैं, 5 आउट ऑफ।
जल्दी जल्दी करिए बेटा, बहुत ही आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। टेन सेकेंड्स और है, 10 सेकेंड्स लेफ्ट। यह बात आपको पोल सेक्शन में इशू हो रहा है क्या? सिर्फ 6 ही बच्चों ने आंसर किया है। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। चैट में बाकी सबके आंसर्स आने चाहिए। एक ही बच्चे का आंसर आया अभी भी चैट में। मेरी वॉइस सभी को क्लियर है ना? क्वेश्चन भी क्लियर होगा। देखिए, आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो पता होता है। अर्धगोले के लिए, हेमिस्फेयर के लिए क्या होता है? 3 पाई आर का स्क्वायर पाई आर का स्क्वायर या 3 पाई आर स्क्वायर? मैम, 3 पाई आर स्क्वायर। यस, 3 पाई आर स्क्वायर। आप वैल्यू पुट कर दीजिए पाई का, 22/7। रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो 7 × 7, क्योंकि 2 बार है, स्क्वायर है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 3 × 22 × 7 कितना आएगा? 66 आ जाएगा। 22 × 3 × 7 करिए मल्टीप्लाई, 462 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ सभी को? डायरेक्ट यस मैम। फॉर्मूला बेस्ड था जैसे मैंने बोला था आपसे। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकालना है, गोले का आयतन। बहुत ही आसान है, फिर से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। स्फेयर है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या दे रखी है आपको 21 सेंटीमीटर एक गोले की, तो आपको उसका आयतन निकालना है, क्या आएगा? आयतन का सूत्र लगाना है और करिए क्वेश्चन को सॉल्व। कैलकुलेटर कोई यूज नहीं करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होगी बट कैलकुलेटर यूज नहीं करना है आप लोगों ने।
ग्रेट, 4 बच्चों का आंसर आ चुका है। चार में से सिर्फ 2 ही बच्चों का आंसर ठीक है। गुड, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करिए ना। ठीक है, लास्ट के 10 सेकेंड्स और हैं। चलो बेटा, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो। क्या करेंगे? आयतन का सूत्र लगाना है डायरेक्ट। क्या होता है आयतन का सूत्र? गोले के लिए 4/3 πr³। यही होता है ना, 4/3 πr³ होता है। पाई का मान पुट कर दोगे 22/7। त्रिज्या आपको दे रखी है रेडियस 21। 3 बार लिखेंगे कि क्यूब है, घात 3 है, तो 3 बार गुणा होगी। 7 से 21 को काट दो, 3 बार ही कटेगा। 3 से 3 को काट दो, 4 × 22 × 21 × 21। 22 को 4 से गुणा कर दो, 88 गुणा 21 को 21 से गुणा करोगे, मतलब 21 का स्क्वायर लेना है आपने, 441 होता है। अब इन दोनों नंबर्स को गुणा करोगे, क्या आएगा? 38808 cm³। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आ गया? नहीं, बी नहीं है बेटा, ए है। ए बी जो बोल रहे हो, कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ करी है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, सभी को क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछिए, या तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ठीक है, फिर से अर्धगोले का क्या बोला है? अर्धगोले की त्रिज्या निकालनी है इस बार आपने। यदि आयतन दे रखे है 18 पाई, वॉल्यूम गिवन है 18 πcm³। एक अर्धगोले का, हेमिस्फेयर का, इस दिए गए अर्धगोले की आपने त्रिज्या निकालनी है। रेडियस कितनी होगी यदि वॉल्यूम दे रखा है? बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, वॉल्यूम का मान दिया है, वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम का सूत्र लिखोगे, बराबर में वॉल्यूम का जो मान दिया है, सारी चीजें कैंसिल आउट करके रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, करिए इसे। फिर
उसके बाद में आपको एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, करिए इस क्वेश्चन को। इस वाले चैप्टर में एक रेशियो वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, अनुपात निकालने वाले। वेरी गुड, 5 बच्चे के आंसर आ गए हैं। माइक ऑन नहीं होना चाहिए बीच में। वेरी गुड, 6 बच्चों ने आंसर भी कर दिया है। चलिए बेटा, 5 सेकंड्स और हैं। चलो बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर दो। यस, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे आंसर। चलिए देखिए, आपने क्या किया होगा, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया होगा आयतन का। क्या होता है फॉर्मूला? गोले के लिए 4/3 πr³। आयतन कितना दे रखा है? 18 पाई बराबर 4/3 πr³। भाई दोनों आयतन है तो बराबर लिख दूंगी, पाई से पाई कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, आर क्यूब क्या हो जाएगा, 3 इस तरफ भाग में है उस तरफ गुणा में पहुंच जाएगा, 4 गुणा में है इस तरफ आके भाग में, मतलब 18 × 3/4। 18 × 3/4, यहां तक सभी को क्लियर है? यस मैम। कट रही है वो काट दो। 2 2 जा 4, ठीक है। 1 मिनट, आयतन 4/4/3 πr³ होता है ना, 18 पाई है। चार मैम 3/2/3 होता है πr³। सॉरी, अर्ध गोला दे रखा है ना, यस मैंने गोले का लगा दिया, यस। गोले का लगा। हाँ गुड गुड, ठीक है जी। आयतन होता है अर्ध गोले का 2/3 πr³। कितना दे रखा है? 18 पाई बराबर 2/3 πr³। फिर से पाई से पाई कट गया, ये हो जाएगा 18 × 3/2 बराबर r³। 2 से काट लो 18 को, 9 बारी जाएगा। r³ बराबर 9 3 जा 27, r बराबर ही 3 उस तरफ जाके 27 का घनमूल हो जाएगा। क्यूब रूट 27 कौन से नंबर का घनमूल होता है या क्यूब रूट होता है, बताइए।
रीका। तो रेडियस कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस काफी सारे आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसे ना समझ में आओ पूछिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन करवाती हूँ। सभी को क्लियर है? गुड। चलिए 10वां क्वेश्चन है आज का। 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले, ठीक है, फिर से हेमिस्फेयर का क्वेश्चन आ गया है, जिसकी त्रिज्या आपको, सॉरी, जिसका व्यास आपको देखा, डायमीटर गिवन है इस बार 21 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या गया है? पूछा गया है उस कटोरे में कितना लीटर दूध आ सकता है। इसका मतलब, अब हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कैपेसिटी पूछी है आपसे, ठीक है, कैपेसिटी पूछी है। तो उत्तर तो आपका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक है, क्योंकि आयतन को जब हम लिक्विड में देखते हैं तो उसे हम कैपेसिटी बोलते हैं ना, धारिता निकालनी है आपने। तो उत्तर तो आपका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा इससे, पर उसको फिर आप किस में कन्वर्ट कर देंगे? लीटर में, क्योंकि आपको पता है किसी भी लिक्विड की हम जो धारिता वगैरह है लीटर, मिलीलीटर, किलोलीटर, इसी में निकालते हैं। तो करिए जरा, देखो कैसे कर दोगे। व्यास दे रखा है इसको, कोई डायमीटर रेडियस मत समझ लेना, 21 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से जो त्रिज्या होगी, रेडियस होगी, 21/2 आएगी। ये रेडियस का मान आपने पुट करना है कैपेसिटी वाले फॉर्मूले में, धारिता वाले में, अर्ध गोले के लिए, ठीक है। अभी हमने अर्ध गोले का धारिता वाला क्वेश्चन, वॉल्यूम वाला क्वेश्चन पहले ही करा है, तो फॉर्मूला सभी को पता होगा। तो आंसर को लीटर में जरूर बदलना है सभी ने, ठीक है, करिए जरा। पाई का मान 22/7 दे रखा है। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना, भूले तो नहीं हो कन्वर्जन, रूपांतरण तो सीखा था हमने क्षेत्रमिति में। दो बच्चों ने आंसर कर दिया।
एक सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर होते हैं। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, गुड। चलिए बेटा, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। जिसका हो गया चैट सेक्शन में करिए आंसर। चलो, त्रिज्या आपको मैंने बोली थी 21/2 हो जाएगी, क्योंकि व्यास का आधा ही त्रिज्या होती है। सूत्र लगा दो अर्धगोले के आयतन का, 2/3 πr³। 2/3 π का मान 22/7, त्रिज्या देखिए 21/2 × 21/2 × 21/2। अब जो चीज कट रही है वो चीज काट दीजिए, जैसे 3 से 21 कट जाएगा 7 बारी, 7 से ये 7 कट गया, 2 से 22 कट जाएगा 11 बारी, इस 2 से 2 कट जाएगा, क्या क्या चीज बच गया? 11 × 21 × 21/2 है ना, इतना ही बचा। कर दीजिए मल्टीप्लाई, 21 को 21 से करोगे 441 आएगा, गुणा 11/2 कितना आया, 441 × 11 4851/2। अब इसे कर दो 2 से डिवाइड, लास्ट में 2 से भी डिवाइड करना है, 2425.5 cm³। यहां तक सभी का आ गया था क्या, अप्रोक्सीमेट इतना इसी के आसपास आया सभी का वॉल्यूम। हाँ, अगला स्टेप आपको लीटर में निकालना है आंसर। लीटर में निकालिए आंसर, आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 cm³ होते हैं, तो 1 cm³ में कितने लीटर होंगे, ये उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 1/1000। ठीक है, उल्टा जाना है तो डिवाइड ही होता है, 1/1000 लीटर हो जाएगा। तो कितने सेंटीमीटर क्यूब है आपके पास, 2425.5 को डिवाइड कर दोगे 1000 से, 3 से पहले डेसिमल आ जाएगा नीचे, 3 जीरो है, 1 2 3, 2.425 लीटर, या मैं इसे 2.43 अप्रोक्सीमेटली, मतलब आसपास जो वैल्यू है राउंड फिगर में इतना लिख सकती हूँ। सभी को क्लियर है इतना भाई, 2.4255 को 2.43 तो लिख सकती हूँ मैं, हमेशा मैं ऐसे ही करता, राउंड फिगर में आसपास के नंबर में उत्तर लिख लेते हैं। सभी को क्लियर हो गया, कोई ऐसा स्टेप जहां पे क्लियर ना हो एक बार देख लो सभी।
क्लियर सभी को? गुड। यस, डाउट है किसी को? नोट डाउन भी कर लीजिए साथ के साथ इसे। बोल चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ एनसीईआरटी का, जो आपका फेयर वाला प्रश्नावली है, गोले वाली प्रश्नावली है ना, आखिरी 13.8, एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन है। यस, क्वेश्चन है आपका, आपको स्फेयर का, गोले का आयतन निकालना है, गोले का आयतन निकालना है यदि उसका प्रस्थीय क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, प्रस्थीय क्षेत्रफल दे रखा है, सरफेस एरिया, ठीक है, कितना दे रखा है आपको, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रस्थीय क्षेत्रफल। क्लियर है? मैम, एक बार क्वेश्चन बता दीजिए। यस, क्वेश्चन यही है कि आपको प्रस्थीय क्षेत्रफल का मान दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे पूछा है कि आयतन कितना होगा, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे बताएगा कोई? यदि आपको प्रस्थीय पहले मैम सरफेस एरिया से इसका रेडियस निकालेंगे और उसके बाद इसका वॉल्यूम। वेरी गुड, क्योंकि आपको वॉल्यूम में रेडियस चाहिए ना, त्रिज्या तो चाहिए, पर त्रिज्या यहाँ नहीं दी, तो त्रिज्या कहाँ से निकलेगी? ये आपकी इसी सरफेस एरिया के सूत्र से त्रिज्या निकालोगे, फिर उसे वॉल्यूम वाले फॉर्म में पुट करके आंसर निकाल लोगे। सभी को समझ में आया? यस। आर निकालेंगे पहले, जो चीज गिवन है हमेशा उसी से निकलती, जो चीज पता नहीं होती। करिए जरा चैट सेक्शन में आंसर करना, ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, 13.8 एक्सरसाइज का। यस, ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया है, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से सॉल्व करिए, बट कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है आपने, ठीक है, जल्दीबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। बस जिसको डाउट है पूछ लीजिए, माइक ऑन करके क्या पूछना है।
अभी एक ही बच्चे का आंसर है। गुड, ठीक है। अच्छा हाँ बेटा, साउंड इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं अभी कुछ बोल नहीं रही हूँ। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो मैं करवाती हूँ। चलो देखो, जिसका आ गया वेरी गुड, जिसे नहीं आया कोई बात नहीं। देखो, सबसे पहले आपको पता है कि किसी भी गोले का, स्फेयर का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बराबर होते हैं, मैंने बताया था। टोटल एंड कर्व सरफेस एरिया बोथ आर इक्वल, यहाँ पे कुछ भी फॉर्मूला लगा सकते हो आप कि बराबर ही होता है। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। आपको इसका मान दे रखा है 154, तो इसकी जगह 154 लिख दो, बराबर में 4 पाई आर स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, पाई की जगह पुट कर दीजिए, पाई का मान 22/7, त्रिज्या निकालनी है आपने। आर स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 7 उस तरफ जाके गुणा हो जाएगा, बाकी 4 और 22 इस तरफ आके नीचे भाग हो जाएंगे, 4 × 22 है ना। अब आप इसे आगे सॉल्व कर लीजिए, जो चीज कट रहा है उसे काट दो, जैसे 4 से कट रहा है ये चीज, 154 कट जाएगा 4 से, डायरेक्ट नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, ठीक है, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 7 × 7/2 × 2, ठीक है, ये आ गया आर बराबर। अब इसका वर्गमूल हो जाएगा भाई, 49/4 लिख दो, या फिर डायरेक्ट वहीं से भी आ जाता। 49 आपको पता है कौन से नंबर का वर्गमूल होता है? 7 का। 4 आपको पता है कौन से नंबर का वर्गमूल होता है? 2 का। तो त्रिज्या आ गई 7/2 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है त्रिज्या तक? मैम एक बार कैलकुलेशन दोबारा समझा दीजिए। कैलकुलेशन देख लो एक बार फिर से। देखो यहाँ तक आपने क्या करी, वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है, ये वाला स्टेप तो समझ में आ गया होगा। 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई की जगह पाई की वैल्यू पुट कर दी, 22/7 आर स्क्वायर। आपको पता है जो चीज नीचे होती है उस तरफ जाके ऊपर पहुंच जाती है, और जो चीज ऊपर होती है वो नीचे आ जाती है, सभी को पता है। तो 7 यहाँ ऊपर आ जाएगा, 4 × 22 नीचे आ जाएगा, बराबर में आर स्क्वायर चल रहा है। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, कैरी 1, 2 सत्ते 14। अब 11 से कटेगा 22 दो बार, 77 कटेगा 7 बार, क्या क्या बच गया? आर स्क्वायर बराबर 7 × 7/2 × 2। अभी क्लियर है सभी को ये वाला स्टेप? चलिए, आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, इसका वर्गमूल हो जाएगा, स्क्वायर उस तरफ जाके वर्गमूल बना देगा, 7 × 7/2 × 2। आपको पता है वर्गमूल में हमेशा 2 में से एक ही नंबर बाहर आता है, यहाँ 2 बार 7 है, 1 7 बाहर, 2 बार 2 है, 1 2 बार, ये आ गई इसकी त्रिज्या 7/2। क्लियर? रेडियस आ गई। अब रेडियस आने के बाद आप वॉल्यूम तो आराम से निकाल सकते हो ना, वॉल्यूम का सूत्र लगा दो गोले के लिए, 4/3 पाई आर क्यूब। मैम एक बार कैलकुलेशन दिखा दीजिए, मैं देखो, नोट। हाँ मैम यहाँ पे TSA 4 पाई आर स्क्वायर क्यों है? फॉर्मूला होता है ना, किसी भी जो गोला होता है, जो गोले का जो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बराबर ही होते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे TSA ना लिख के सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लो, ठीक है, वो ज्यादा बेटर है।
दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि आपको पता है गोले का कोई आधार हम ऐसे हटा नहीं सकते। मतलब गोले में जो होता है, वक्र में आप क्या क्या चीज हटाओगे, वो तो पूरा ही एक सर्कुलर पार्ट है ना, तो उसको हम कोई आधार हटा नहीं सकते वहां से। आधार हटाओगे वो वाला हिस्सा हटा दोगे तो वो एक अर्धगोला बन जाएगा, इसलिए दोनों चीजें ही बराबर होती है। चलिए अब वॉल्यूम के फॉर्मूले पुट कर दो। पाई की जगह 22/7, त्रिज्या भी निकाली आपने, 7/2 × 7/2 × 7/2। अब जो चीज कट रही है काट दो, 7 से 7 कट गया, 2 से 4 कट गया 2 बारी, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से 22 कट गया 11 बारी। क्या क्या बचा? 11 × 7 × 7/3, 7 × 7 49 × 11/3 कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर दो 49 को 11 से, 539/3। अब इसे अगर आपको फ्रैक्शन में करना है, मतलब और तोड़ के लिखना है, तो डेसिमल में भी आ सकता है, या तो आप इसे ऐसे कर लो, 3 से भाग करके 3 एकम 3, रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा। कितनी बारी जाएगा बताओ? 3 से भाग करो इसे, डेसिमल में नहीं लाना मुझे इसको, अंश और हर के फॉर्म में लेके आना है। एक बारी जाएगा 3 एकम 3, 7 बारी, फिर 9 बारी। आपका जो शेषफल कितना आएगा? वो 2 आएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ऐसे लिखना आता है ना सभी को? यस। अब बेटा इसके बाद ना एक क्वेश्चन और है जो आपको मैं करवाना चाहती हूँ, जो कि आपका रेशियो वाला आता है, ठीक है? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, वो मैं करवा देती हूँ। इसको नोट डाउन कर लो पहले। मैम वो पहले वाला दिखाना जो आपने अभी भी समझाया। हाँ तो मंदिर बिस्कुट बेटा के माइक मंदिर म्यूट के करो, फ्रेंड आपका दे माइक दो ऑन बंदरिया है। माइक ऑन क्यों है? चलिए अगला जो प्रश्न है वो भी आपका स्फेयर वाला ही है, ठीक है? 13.8 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके एनसीईआरटी का, ठीक है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोला गया है कि 27 27 ठोस गोलों को, ठीक है, 27 आपके पास सॉलिड स्फेयर्स हैं, ठीक है, ठोस गोले हैं, जिनको आपने क्या कर दिया है? पिघला दिया है। नहीं, अच्छा ठीक है। सभी का रेडियस आर है, मतलब कि 27 छोटे छोटे गोले हैं और सभी का जो त्रिज्या है ना वो आर है, त्रिज्या सभी की आर दी गई है, ऐसे आपके पास 27 गोले हैं। क्लियर? आगे आपसे बोला है इन 27 गोलों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया है, एस है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी एस दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एस के बराबर है। अब आपसे बोला इन 27 ठोस गोलों को, 27 सॉलिड आयरन स्फेयर्स को आपने क्या कर दिया? पिघला दिया है, ठीक है, इसको पिघलाया और एक सबसे बड़ा वाला गोला बना दिया, ठीक है, सबसे बड़ा वाला गोला बना दिया, जिसका आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस डैश है, ठीक है? और ठीक है, इतना क्लियर है क्वेश्चन आपको? 27 आपके पास ठोस गोले थे, ठीक है, जिनका त्रिज्या थी आर और पृष्ठीय क्षेत्रफल था एस। अब इन 27 को एक साथ मैंने पिघलाया और एक सबसे बड़ा गोला बना दिया, 27 को लेके पिघला के बहुत बड़ा गोला बना दिया, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस डैश है। आपसे पूछा गया है पहले पार्ट में आपसे पूछा गया है त्रिज्या क्या होगी नए वाले स्फेयर की, भाई त्रिज्या क्या है नए वाले स्फेयर की? मतलब अगर एस डैश इसका सरफेस है तो रेडियस आर डैश हो जाएगी ना, आर डैश निकालना है, क्या आएगा? अब मुझे एक चीज बताओ, जब आप एक चीज से को पिघला के दूसरे में बदल रहे हो तो क्या किसी उसके आयतन में कोई परिवर्तन आता है? मैंने 27 गोले ले लिए, उसको पिघला के एक बड़ा गोला बना दिया, तो क्या
उसके आयतन में कोई परिवर्तन आएगा या नहीं, ये मेरा प्रश्न है। वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा उन्हें, क्योंकि नहीं आएगा। वेरी गुड, क्यों आएगा? क्योंकि उन्हें 27 स्फेयर्स को लेके मैं एक बड़ा स्फेयर बना रही हूँ। इसका मतलब जो 27 गोले थे उसका जो आपका वॉल्यूम होगा, उसका जो आयतन होगा, वो बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर होगा। क्लियर हुआ सभी को? 27 छोटे गोलों का जो आयतन है वो बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर है। वॉल्यूम ऑफ 27 स्फेयर्स विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर। ठीक है, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि 27 गुणा वॉल्यूम, ठीक है, इस वाले हम छोटे गोलों की बात कर रहे हैं जिसका हम वॉल्यूम वी मान लेंगे, बराबर होगा इस वाले के वॉल्यूम के बराबर, बड़े वाले के वॉल्यूम के बराबर जिसको हम वी डैश मान लेंगे। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? यस। बस आपको क्या निकालनी है? त्रिज्या निकालनी है। तो वॉल्यूम का मान रख दो 4/3 πr³। इसका भी 4/3 πr³, क्योंकि इस वाले की जो त्रिज्या है वो आर डैश है नए वाले की, तो मैंने आर की जगह आर डैश ले लिया। अब जो चीज कट रही है काट दो, जैसे पाई से पाई कट जाएगा, 4/3 से 4/3 कट जाएगा। अब जो चीज बच गई है उसे लिख लो, 27 r³ बराबर r³। इतना सभी को समझ में आया? यही तो बचेगा सारी चीजें कटने के बाद। अगर किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है यहां तक? चलो, अब आपको पता है छोटे वाले गोलों का जो त्रिज्या है वो आर ही है, आपको आर डैश निकालना है। तो बेटा जो आर डैश होगा, इसको मैं यहां करा देती हूँ ऊपर, आर डैश बराबर, जब इसका जो ये वाला क्यूब है उस तरफ जाएगा तो घनमूल बन जाएगा, 27 r³। घनमूल बनेगा या नहीं बनेगा? आपको पता है जब क्यूब उस तरफ जाता है तो क्यूब रूट बन जाता है। सभी को समझ में आ गया ये वाला स्टेप जो मैंने किया? क्योंकि आपको आर डैश का मान निकालना है यहाँ पे। सभी को समझ में आ गया? नहीं आया तो माइक ऑन करके पूछ भी लेना। ठीक है, आर डैश बराबर क्या हो जाएगा? 27 कौन से नंबर का क्यूब होता है? 3 का। आर का क्यूब बाहर निकलेगा तो सिर्फ आर बचेगा। तीन यस, जो नई त्रिज्या आ गई नए वाले स्फेयर की, कितनी आ गई बेटा? 3 r आ गई नई वाली त्रिज्या। तो मैं यहां से बोल सकती हूँ कि जो नई वाली त्रिज्या है वो पुराने वाले 27 गोलों की त्रिज्या के 3 गुना होगी। ठीक है, पुराने वाले गोलों की त्रिज्या के 3 गुना होगी। क्लियर हो गया सभी को प्रश्न? यस यस, ये वाले क्वेश्चन अच्छे हैं। चलिए, अब इसका सेकंड पार्ट दे रखा है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि आपको रेशियो निकालना है, ठीक है, अनुपात निकालना है 27 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का और बड़े वाले गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या आएगा। ठीक है, S/S', S वाला 27 गोलों का अनुपात और पृष्ठीय क्षेत्रफल था, एस डैश हमारा जो बड़ा वाला बना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा। दोनों का जो सूत्र है पुट कर दो, क्या होता है? 4 πr² होता है। दूसरा वाला जो बड़ा वाला है बेटा, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकाल लीजिए। चलिए, जो नीचे है उसका कितना आ जाएगा? 4 πr²। इतना आएगा या नहीं? सही लिखा है मैंने? यस। अब जो चीज कट रही है काट दो। 4π से 4π कट गया। आपने अभी पहले निकाला कि जो आर डैश है वो 3 r के बराबर है, निकाला ना पीछे कि त्रिज्या हमारी नए वाले की दूसरे वाले की 3 गुना है। तो जहां आर डैश है वो मैं 3 r लिख सकती हूँ। इस आर डैश की जगह मैं 3 r, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर यही लिखूंगी या नहीं, बताइए। वैल्यू पुट कर दी तभी तो मेरा अनुपात आ पाएगा, रेशियो आ पाएगा। क्लियर है यहां तक?
कर दीजिए, अब तो हो ही गया क्वेश्चन। 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, क्या बचा ऊपर 1 बचा, 9। मतलब कि आपका जो अनुपात आ गया वो आ गया 1:9, 1:9। ठीक है, इसका मतलब कि जो छोटे वाले जो हमारे छोटे वाले जो हमारे गोले हैं उनका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बड़े वालों से 9, मतलब बड़े वाले का जो है छोटे वाले से 9 गुना ज्यादा होगा, इसका ये मतलब है 1:9, उसका 1 और उसका 9 गुना। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, ये क्वेश्चन काफी सही है। इस तरह की हमारे बहुत प्रश्न बन सकते हैं, इसी में से बन सकता है कि भाई आयतन दोनों के जो आयतन है उनका जो अनुपात है रेशियो है वो क्या आएगा, ये भी बन सकता है यहाँ से, है ना। त्रिज्या निकाल के आप कुछ भी निकाल सकते हैं उसका।